नमस्कार दोस्तों, मणिपुर से सीआरपीएफ जवानों की तरफ से एक बेहद ही दुखद खबर सामने निकलकर आई है। मणिपुर में उग्रवादी हमला में बिहार का मधुबनी का सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा शहीद हो गए हैं। कहा जाता है दोस्त, हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा कि जाते जाते मैं जमी को आसमा लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले के सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा मणिपुर में उग्रवादी हमला में शहीद हो गए हैं। अजय कुमार के घर पर मातम पसरा हुआ है। अजय कुमार झा छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, टिकट का बुकिंग करा लिया था। शहीद होने से 10 मिनट पहले वह अपने पत्नी से फोन करके वादा किया था, सोमवार को ट्रेन धरूंगा, सोमवार को ट्रेन पकड़कर घर लौटूंगा। लेकिन रविवार को मणिपुर में उग्रवादी हमला में जवान का सीने और सिर में गोली लग गया। सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा मौके पर ही शहीद हो गए। रविवार को दोपहर 11 बजे मणिपुर में उग्रवादी हमला में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों जवानों का इलाज जारी है। मणिपुर में लगातार 1.5 साल से उग्रवादी हमला होते ही जा रहे हैं, देश के जवान शहीद होते ही जा रहे हैं। शहीद सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटा सा गाँव के रहने वाले थे, एक नॉर्मल परिवार में जन्म लिया था। शहीद फौजी का पिता किसान है जबकि मां गृहिणी है। 43 वर्ष का उम्र में सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा मणिपुर में रविवार को उग्रवादी हमला में सीने में गोली खाकर शहीद हो गए हैं। अपने पीछे रोते बिलखते 3 बच्चे, पत्नी, मां और पिता सभी परिजनों को छोड़कर अपने देश के लिए प्राण को नौछावर कर दिए। शहीद होने की सूचना मणिपुर से सीआरपीएफ के अधिकारियों ने फोन करके परिजनों को दिए तो घर पर मातम पसरा हुआ है। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। शहीद जवान की पत्नी बार बार बेहोश जा रही है। शहीद जवान के घर पर संतावना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। आज शहीद जवान के अजय कुमार झा का वायुसेना के विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद सीआरपीएफ के विशेष वाहन से सड़क मार्ग से शहीद जवान का पार्थिव शरीर इनके पैतृक घर पर लाया जाएगा। परिजनों को अंतिम दर्शन करने के बाद शहीद जवान के पूर्ण राजकीय शयन सम्मान के साथ इनके पैतृक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अजय कुमार झा बीते कई वर्षों से लगातार सीआरपीएफ में शामिल होकर देश के अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह जवान मणिपुर में उग्रवादी हमला में सीने और सर में गोली खाकर देश के लिए अपने प्राण को नौछावर कर दिए है। बताया जाता है कि सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा 1 महीने पहले ही छुट्टी बिताकर घर से वापस ड्यूटी पर लौट गए थे और यह जवान देश के लिए सेवा दे रहे थे। लेकिन रविवार को दोपहर 11 बजे मणिपुर में उग्रवादी हमला में सीआरपीएफ का एक जवान अजय कुमार झा शहीद हो गए, जबकि बताया जाता है कि 3 अन्य जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों जवानों का इलाज जारी है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। अगर शहीद जवान अजय कुमार झा के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान अजय कुमार झा का आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।